डेली व्लॉगिंग भी नहीं करती, इसलिए मैं बिट्स का कप आ गया है। अपनी सीवियस निकाल रही है, इनको मैंने फाइल में डाल दिया। ये रहा तेज पत्ता और काली मिर्च, ये सब कुछ इसमें थोड़ा सा देंगे। ग्रेवी की ये सिचुएशन है, चावल बनाने के लिए अगर आप इसमें चंद ड्रॉप्स ये लेमन जूस के ऐड कर देना। मैं ब्रश कर दूंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर क्लिप। एंड इट्स अ मॉर्निंग टाइम, आई जस्ट वोक अप एंड गोइंग टू रेडी फॉर माय यूनिवर्सिटी। एज यू ऑल नो दैट आजकल यूनिवर्सिटी चल रही है, तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रूटीन हुई हुई है और इसी वजह से मैं डेली व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, बट आई एम अपलोडिंग अ डे आफ्टर अ डे। सो लेट्स सेलेक्ट एन आउटफिट, और ये रही मेरी बड़ी ही खूबसूरत सी आउटफिट विच इज़ फ्रॉम बीच ट्री, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट कन्फर्म इट। सो ये है बीच ट्री की, या पता नहीं कहाँ की आउटफिट ये पहनेंगे, और ये है बेबी पिंक कलर में, मुझे बहुत पसंद है अपना ड्रेस। सो मेरे दिन की सुबह तब होती है जब मैं एक अच्छा सा शॉवर ले लेती हूँ और एक अच्छा सा ड्रेस पहन लेती हूँ, फिर जाके मेरे जो है वो दिन का आगाज़ होता है। जल्दी से एक सोप लेते हैं और चलते हैं अपने रूम में और शॉवर लेते हैं, तैयार होते हैं। चीज़ें वैसे मैंने अपनी सारी ले ली हैं, कपड़े, फ़ोन, ग्लासेस, एवरी थिंग, बिकॉज विदाउट ग्लासेज आई एम टोटली ब्लाइंड, नॉट टोटली बट 60% आई एम ब्लाइंड। सो मुझे ग्लासेस बड़ी इंपॉर्टेंट लगती हैं अपनी लाइफ में, और यहाँ पे मैं चीज़ें रखूँगी, जल्दी से शॉवर लूँगी एंड देन आई शो यू गाइज व्हाट आई एम गोइंग टू डू दी नेक्स्ट थिंग्स। सो या शॉवर मैंने अपने कपड़े पहन लिया, मैं अपने बाल ब्रश करूँगी, मेकअप करूँगी, चाय मैं रखा ही ऊपर, और चाय कैसी बनती है वो पियेंगे। माय रूटीन इज़ क्वाइट सेम, आई डोंट हैव सो मेनी थिंग्स दैट आर डिफरेंट, बट मेरे पास मोस्टली जो चीज़ें हैं ना वो सेम ही होती है झंडा पे। सो या मैं इसलिए बहुत ज़्यादा डेली व्लॉगिंग भी नहीं करती, इसलिए मैं बिट्स क्लिप्स जो है उन्हें रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लेकिन अपलोड जो है मैं पैसेज ऑफ टाइम करती हूँ, मटीरियल इकट्ठा हो जाता है। कप आ गया है, चाहे आज मैंने गुड़ वाली बनाई और इसमें मुझे गुड़ का कोई टेस्ट नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रही है ऐसा क्यों है, पर चलें कोई बात नहीं। ये मैंने अपनी सीवियस निकाल ली है, इनको मैंने फाइल में डाल दिया कि अगर मुझे इनकेस जाना पड़ता है तो मेरे पास ये मौजूद हो। ये रही ये तो सीवीज, एक और सीवी मुझे भी लगानी है वो ये फाइल है मेरे पास, इसको भी लगा ले। आज है बिरयानी डे और चीज़ें मैंने सारी की सारी तैयार करके रखनी है। चिकन है, व्हाट इज दिस, टोमेटो और ये जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज, देन हमारे अनियंस, पोटैटोस सब मैंने रख लिया। अभी बस मैं अपने राइस के लिए जो होना वो इसमें पानी डालूँगी इस पॉट में, और पानी को कर लेंगे बॉयल, हम करेंगे अपने राइस बॉइल, देन वी विल ऐड द चिकन, यू नो लेयरिंग। उसके लिए चिकन की ग्रेवी तैयार करनी है, वो भी मैं साथ ही स्टार्ट कर दूंगी। सबसे पहले जाएगा जीरा, इज राइट ओवर हियर, जीरा लेना, यस यस जीरा। देन जाएगा इसमें ओप्स नमक, वेरी मच इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, ये रहा नमक, इसमें पता नहीं क्या कुछ है, चला गया नमक, अंदाजे से ऐड करूंगी मैं, तेज पत्ता, काली मिर्च और बस मेरे लिए में यही चीज़ें हैं। पत्ता और बाकी सब कुछ मैं ढूंढ रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये भी ले आऊँ, ये रहा पुदीना ड्राई हुआ हुआ, अगर दिल चाहे तो मैं डाल भी सकती हूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि मैं डालूंगी या नहीं डालूँ। ये रहा तेज पत्ता और काली मिर्च, ओके सो इसमें से अब हम दो डालेंगे पत्ते, दीज वंस, ठीक है। साथ में जाएंगे 3 से 4 होल ब्लैक पेपर, मुझे लगता है कि मैंने घी कदरे ज़्यादा डाल दिया है, पर नहीं इतना सही है। साथ में जाएंगे ये अनियंस हैं, ठीक है, और यहाँ से आलू का छिलका उतरने वाला, ये भी उतार लेते हैं, ये मुझे लगता है कि अदरक का लग गया शायद, नहीं आलू का ये, अच्छा ये अनियन है, ये एक बड़ा अनियन मैंने कट कर लिया था, और अगर आपके पास मीडियम साइज़ की हो तो आप 1.5 ले लें। एडेड दी अनियन इन द ऑयल और इसको मैं ज़रा अब फ्राई करूँगी, जब ये ज़रा 70% तक फ्राई हो जाएंगे, लाइक गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, नॉट दी ब्राउन बट द गोल्डन ब्राउन, तो इसमें ऐड करूँगी टमाटोज, उसको फ्राई करूँगी। देन वी हैव दिस, इसको भी मुझे चॉप करना है, इसको चॉप कर लेते हैं और फिर हम अपना चिकन डाल देते हैं। मुझे रायता बनाना है, मेरे पास दही बहुत थोड़ा सा है, लाइक बहुत ही थोड़ा सा दही है, तो मैं इतने दही का भी बना लूँगी बिकॉज मैं बहुत कम खाती हूँ, मुझे इशू हो जाता है, सो इतना सा दही बन जाएगा मेरे लिए काफ़ी है। आगे हमारा
ये सब कुछ। इसमें थोड़ा सा दही डालूंगी मैं, इसमें नमक भी जाएगा फ्राई कर रहे, वो भी डालते हैं। ओके, अब बिट ऑफ सॉल्ट इन इट। ऑल्सो आई वेंट टू यूनिवर्सिटी पर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। अब आपकी ताबिश बिरयानी का टच देने के लिए मैंने अपने आलू और चिकन के ऊपर लगा लिया है जर्दे का रंग, और ये ढूंढते ढूंढते जो मेरे प्याज थे ना वो थोड़े से ज़्यादा ब्राउन हो गए हैं, बट साथ ही मैंने टमाटर डाल दिए थे तो बचत हो गई है। अब मैं चिकन को और आलू को अच्छे से ब्राउन करूँगी, या अच्छे से इनको कलर दूंगी, इनको फ्राई करूँगी, देन आई विल ऐड द लहसुन प्याज का मिक्सचर। उसको हल्का सा पकाने के बाद आई एम गोइंग टू पुट अ वेट ऑन इट। एंड या चिकन ग्रेवी की ये सिचुएशन है, इसको भी मैं पका ही रही थी, लाइक मैंने इसको अच्छे से टोस्ट कर लिया। अब इसमें जाएगा पानी और फिर इसको लगेगा वेट, और उस वेट में जो चिकन और आलू हैं हमारे वो जाएंगे कम। बहुत कम मैंने बनाई है बिकॉज हम दो ही होते हैं, और जो बिरयानी मसाला मैंने यूज़ किया वो ये है बॉम्बे बिरयानी मसाला। चिकन को मैंने ऑरेंज कलर दिया था इसके साथ, एंड आई बिलीव कि ये येलो कलर नहीं है, ये रेड ऑरेंज है, बट लेट्स सी अब क्या होता है, बिकॉज मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा काम ख़राब हो गया है, बट आई बिलीव कि ये ऑरेंज ही है। चलें जब इसको लगाते हैं वेट। और चावल बनाने के लिए अगर आप इसमें चंद ड्रॉप्स ये लेमन जूस के ऐड कर देना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे और खिले हुए चावल बनते हैं। फिर कुछ ड्रॉप्स जो है ना कि लेमन जूस के ऐड हो गए, अब इनको हिलाना है, जिसके लिए मेरे पास कोई चम्मच नहीं है, वो ले आते हैं जल्दी से जाकर। और ये रहे हमारे सारे स्पून, तो इसको अब मैं दम लगाऊंगी। मैंने इसमें चावल भी डाल दिए हैं लेयरिंग, लाइक मैंने सारी कर दी है। अब इसमें जरदा रंग जाएगा, और इसमें जरदा रंग मैं कैसे डालती हूँ मैं आप लोगों को दिखा। जरदा रंग जाता है दो तरीक़ों से, एक तो जाएगा ये ड्राई वाला, हल्का हल्का सा मैं ब्रश कर दूँगी, ठीक है। Then we will add this जो कि पानी में डिजॉल्व हुआ हुआ है, ठीक है, on like this। अभी जो पानी वाला डिजॉल्व है ना ये कलर देगा येलो, और जो दूसरा वाला है वो कलर देगा ऑरेंज। दैट्स हाउ आई मेड बिरयानी। अगर आप लोगों के पास धनिया है, मुझे बिरयानी में धनिया बहुत बुरा लगता है, मैं इसलिए ऐड नहीं करती, अदरवाइज आप इस पर लीमू डाल लें, हरा धनिया डालें, हरी मिर्चें काट के डाल लें, और साथ में आप पुदीना भी डाल सकते हैं, बट ये सब कुछ मुझे नहीं पसंद। बिरयानी इज़ अ थिंग जिसमें एक ग्रेवी होती है और एक उबले चावलों का मिक्सचर होता है, फॉर मी दैट्स इट। अगर आप लोगों ने कभी ग्रेवी में से इस तरह से निकाल के नहीं खाया ना, तो आई थिंक सो यू आर मिसिंग समथिंग मेजर इन योर लाइफ, इन योर चाइल्डहुड एज वेल, बिकॉज मैंने शुरू से सीखा मुझे इतना मज़ा आता है, और डांट भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, पर अम्मा के हाथ की जो भी चीज़ हो वो बहुत मज़े की होती है, और तब से आदत पड़ी हुई है तो हम खा लेते हैं, और मेरा दिन शुरू नहीं होता जब तक मैं अम्मा के हाथ की चाय ना पीऊँ। जस्ट बाय द वे, सो दम दे दिया है, अभी ये तैयार होगी एंड इट्स रेडी गाइज। होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो, आई होप यू गाइज लाइक दिस, विल कैच यू गाइज इन अनदर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।